हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं DSR दी ट्रेवल गुरु। इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं आ गया हूं नेचुरल बीच पे, जिसको कि कहते हैं लक्ष्मणपुर बीच 2। यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्रिज है जो कि नेचुरली बना हुआ है। यहां पे आप बहुत सारे लाइव एंड डेड कोरल रीफ देख सकते हैं। चारों तरफ लश ग्रीनरी है और यहाँ पे आने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो आप सुबह मॉर्निंग में 5 to 6 आ जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे 7-8 बजे तक आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद यहाँ पे हाई टाइड स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि फिर दोपहर के 12-1 बजे तक बहुत ही हाई टाइड रहती हैं। और आप नेचुरल ब्रिज नहीं घूम सकते हैं क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इवनिंग में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फिर आप 2-3 बजे के बाद ही यहाँ पे जाइए। और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्रिज है जो कि नेचुरली बना हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप एक गाइड भी हायर कर सकते हैं, वो गाइड आपको सारी चीज़ें यहाँ पे घुमा देगा। हमने तो गाइड हायर नहीं किया था क्योंकि हम ऑलरेडी कोरल रीफ वगैरह सब देख के आए थे हैवलॉक में, तो हमने सोचा कि हम खुद से ही एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। लकीली हमने बहुत सारे कोरल फिश और बहुत सारे समुद्री जीव देखे यहाँ पे, आप आगे देखेंगे इस वीडियो में। और बहुत ही शांत सा बीच है और यहाँ पे स्विमिंग वगैरह नहीं होती है एक्चुअली। बस जो मेन अट्रैक्शन यहाँ का है वो नेचुरल ब्रिज है, और उसके बाद जो है समुद्री जनजीवन अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आके आप आराम से देख सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर फिश जो आपको यहाँ पे फिश दिख जाएंगी, और काफ़ी और सारी जीव हैं यहाँ पे जो कि आप आराम से देख सकते हैं। एक जीव जो है हमने देखा यहाँ पे, उसे बोलते हैं सी गोगम्बर, आगे आपको दिखाता हूँ मैं वो। तो बहुत ही अच्छा जो है ये बीच है, और जो प्रिफर टाइम है यहाँ पे आके घूमने का वो मॉर्निंग में ही है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे हाई टाइड हो जाती है और फिर यहाँ पे आप घूम नहीं सकते हैं। तो आप सुबह जल्दी उठ के प्लान कर सकते हैं आने का, और यहाँ पे आके घूम के और आप वापस जाके फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी कलरफुल फिश हैं यहाँ पे, और जैसे ही आप अपना हाथ पानी के अंदर डालते हैं तो वो सारी फिश आ जाती हैं आपके हाथ के पास में।
वो ये देखने के लिए आती हैं कि आप उन्हें कुछ खाने के लिए तो नहीं दे रहे हैं। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे और ये नोटिस की है कि जो गाइड साथ में जाते हैं तो वो अपने पास पाले जी बिस्किट रखते हैं, तो वो जैसे ही पाले जी का बिस्किट पानी में डालते हैं, आसपास की जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो सब नज़दीक आ जाती हैं और वो उस बिस्किट को खाने की कोशिश करती हैं। तो ज़्यादातर यहाँ के गाइड यही करते हैं मछलियों को इकट्ठा करने के लिए, बट मैंने कोई भी बिस्किट या कुछ खिलाया नहीं है। मैंने जस्ट अपना हाथ पानी के अंदर डाला और बहुत सारी मछलियाँ जो हैं एकदम से मेरे हाथ के आसपास आ गई हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर की, डिफरेंट डिफरेंट कलर की ये मछलियाँ हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, बहुत अलग अलग तरीके की। ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो कि शायद आप वीडियो देख के तो नहीं उतना ले सकते हैं, बट अगर आप खुद यहाँ पे आते हैं तो आप फील कर सकते हैं। तो जो चीज़ मैंने फील की है वो आपको बता सकता हूँ, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था इस जगह पे आने का। और बहुत ही अच्छे अच्छे कोरल हैं यहाँ पे, लाइव कोरल आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे और आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो आप बहुत अच्छे अच्छे कोरल यहाँ पे देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोरल हैं, अलग अलग कलर्स के हैं। इसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, बट ये मैंने हैवलॉक में भी देखा था जब मैं स्कूबा डाइव कर रहा था, और अभी मैंने यहाँ पे इसको देखा है। जैसे ही आप अपना हाथ या उंगली इसके पास ले जाएंगे एकदम शिंग हो जाता है ये, और जैसे ही आप अपनी उंगली या हाथ हटाएंगे ये एक्सपैंड हो जाएगा अपने आप। दोस्तों मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये है, इसे बोलते हैं सी कुकुम्बर, और ये कुछ कुकुम्बर जैसा ही दिखता है, ब्लैक कलर का रहता है। लगभग हम यहाँ पे 2 घंटे हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, और 2 घंटे एक्सप्लोर करने के बाद
हम यहाँ से निकल गए सीतापुर बीच की तरफ। समय मैं हूँ सीतापुर बीच पे, जो कि है नील आइलैंड पे, और ये बीच जाना जाता है सनराइज़ के लिए। लोग यहाँ पे सनराइज़ देखने आते हैं मॉर्निंग 5 AM 6 AM के बीच में। बट पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे क्लाउडी वेदर है, और इसी वजह से यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरी पिछली ये बीच है, ये आपको अराउंड 270 डिग्री में व्यू देता है। आप आ सकते हैं, आपको जो है एंजॉय कर सकते हैं। शांत है, क्लीन है, बढ़िया बीच है। बस यही है, हमारी अंडमान की ट्रिप अभी चल रही है, और ये हमारा चौथा आइलैंड है नील आइलैंड। हम यहाँ पे कल आए थे, कल हम यहाँ पे आके हम रुके, कर लिया टिकट रेंट पे लिया, उसके बाद रेडी होके हम लोग निकल गए थे सनसेट बीच, जिसको कि बोलते हैं लक्ष्मणपुर 1 बीच। तो कल हमने बस सिर्फ एक ही बीच कवर किया था, और आज मॉर्निंग में उठ के फिर हम निकल गए आपका लक्ष्मणपुर 2 बीच, जहाँ पे कि एक नेचुरल ब्रिज है, नेचुरल स्टोन का बना हुआ है, और वहाँ पे हमने बहुत सारे कोरल, फिश और कई तरीके के जो है चीज़ें देखी वहाँ पे। काफ़ी अच्छा बीच है वो भी। और ये है बीच नंबर 3, जो कि है सीतापुर बीच। तो 3 बीच हम घूम चुके हैं, आज दूसरा दिन है, और अभी सिर्फ बस एक बीच बचा हुआ है, जो कि है भरतपुर बीच। तो बस यहाँ से हम जाएंगे होटल, होटल जाने के बाद टिकट कराएंगे, फेरी का टिकट कराएंगे, जो कि हमारी 220 पे है होटल के लिए, और टिकट करा के हम निकल जाएंगे भरतपुर बीच। और इस समय भरतपुर बीच पे हाई टाइड रहेगा, और जितने भी वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटी हैं वो सब भरतपुर बीच में ही होती है। तो बने रहिए मेरे साथ, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड की सीरीज़ देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।